आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिजिक्स के लेक्चर्स हम देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोज इन फिजिक्स। हम इसमें बात करेंगे टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनर फ्लो और क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो। और अगले पार्ट में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे, थ्योरम समझेंगे, बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, अब दोस्तों इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर है वो 9 तारीख से आएंगे, क्योंकि राशि मैम कुछ काम में काफी बिजी हैं, तो 9 तारीख से वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स की बात करेंगे और आज हिस्ट्री का भी एक लेक्चर आएगा, ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पहले कुछ लॉज देख लेते हैं दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है समझना, जरूरी है समझना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोफिशियंट ऑफ वाइस्कोसिटी को निकाला कैसे जाता है, हम वाइस्कोसिटी देख रहे हैं, ये तो बता दूं, हम वाइस्कोसिटी चैप्टर को देख रहे हैं। ठीक है ना, अब वाइस्कोसिटी पे इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, आप देख लीजिएगा। तो वाइस्कोसिटी चैप्टर में हम ये देख रहे हैं कि हम वाइस्कोसिटी को निकाले कैसे। ठीक है, वाइस्कोसिटी होती क्या और उसको निकाले कैसे। तो पिछली बार हमने स्टोक्स लॉ देखा था, उससे आप वाइस्कोसिटी को निकाल सकते हैं। एक और होता है दोस्तों फॉर्मूला, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पॉइसलीज थ्योरम। ठीक है, अगर उसकी बात करें तो यहां पे वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई पी आर टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। बस आप यही याद रखिए दोस्तों, ये बेसिकली सिलेंड्रिकल ट्यूब में जो वॉल्यूम होता है और प्रेशर, लेंथ, रेडियस, उससे हम कोफिशियंट ऑफ वाइस्कोसिटी जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कंडीशंस होती है दोस्तों, जैसे लिक्विड जो है वो विस्कस होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए, वाइस्कोसिटी मतलब गाढ़ा होता है ना, उसके बाद दोस्तों जितनी भी फोर्स लगे लिक्विड पे वो उसको सह ले। उसके बाद दोस्तों सबसे जरूरी चीज, लिक्विड का जो फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन होना चाहिए। अब स्ट्रीम लाइन क्या है वो हम देखेंगे, और एक्सेलरेशन हर जगह पे 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशंस होती है दोस्तों, ये पॉइसलीज थ्योरम है। इसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोस की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों स्ट्रीम लाइन फ्लो की। ठीक है, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है दोस्तों, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप नाम से ही देखिए, स्ट्रीम और लाइन, यानी कि जब स्ट्रीम जो है वो लाइन में हो, द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड जब बिल्कुल स्टेडी हो, ऑर्डर में हो और एकदम लाइन में हो, या फिर लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो क्या होता है वो भी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, हर पार्टिकल जो फ्लूइड का है वो आगे वाले को फॉलो करे, जैसे स्कूल में लाइनें लगती है ना बिल्कुल स्ट्रेट, वही उसी तरीके से स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, बिल्कुल ऑर्डर, बिल्कुल कॉन्स्टेंट, बिल्कुल स्टेडी। हर पार्टिकल, जो भी पार्टिकल अगर इस फ्लो को ज्वाइन करेगा तो अगले वाले पार्टिकल को फॉलो करेगा, ये बिल्कुल लाइन में होगा, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, और हर पॉइंट पे स्टेडी होगा। अब दोस्तों यहां पे जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये है ए कोई पार्टिकल है, ये है बी पार्टिकल है, ये है सी पार्टिकल है। ठीक है, अब ए की वेलोसिटी होगी v1, बी की वेलोसिटी होगी v2, और यही जो टैंजेंट है ना, याद रखिएगा ये जो स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है, अगर हम ये टैंजेंट ले तो यही डायरेक्शन देता है। ठीक है ना, ये जो टैंजेंट है ये डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ अ लिक्विड देता है, कि किस डायरेक्शन में लिक्विड बहेगा, जहां से भी आप टैंजेंट को ड्रॉ कर दें। ठीक, तो मान लीजिए ये ए पार्टिकल है, बी पार्टिकल है, सी पार्टिकल है, तो यहां पे v1, v2, v3 सबकी वेलोसिटी होगी, तो ये सेम होगी। ठीक है ना, इनकी वेलोसिटी जो है वो सेम होगी, और ये एबीसी का जो टेंजेंट है वो डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो ऑफ अ लिक्विड देगा। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं स्ट्रीम लाइन, और अगर ये लिक्विड या एयर या गैस में फ्लो हो रहा है तो हम उसको कहेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। अब यहां पे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, क्रिटिकल वेलोसिटी। ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इससे पहले हम लैमिनर फ्लो की भी बात कर लेते हैं। स्ट्रीम लाइन हमने देख लिया, अब दूसरा होता है लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो की बात करते हैं दोस्तों, आपको पता ही है कि अगर हम बात करें लिक्विड की, तो उसकी डिफरेंट 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 लेयर्स होती है, इन्हीं लेयर्स की जो वेलोसिटी होती है उसको क्या कहते हैं हम, लैमिनर फ्लो। ठीक है ना, वो जो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी जो है वो उनका जो फ्लो होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर्स होता है उनका जो फ्लो होता है उसको कहते हैं हम लैमिनर फ्लो। अब यहां पे अगर हम बात करें तो क्रिटिकल वेलोसिटी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक वेलोसिटी होती है, ठीक है, एक पॉइंट होता है, एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल। ठीक है, अब अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से वैल्यू कम होगी, ठीक है, इसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है,
तो फ्लो रहता है स्ट्रीमलाइन या फिर लैमिनर, लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर ज्यादा हो जाएगी तो फ्लो हो जाता है टर्बुलेंट, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल सही समझ गए, अगले फ्लो की हम बात करेंगे जिसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं, ठीक है। जैसे झरना, झरना बहता है, आप नल खोल देते हैं पानी बहता है, तो वो टर्बुलेंट है, वो स्ट्रीमलाइन या लैमिनर नहीं है। तो लिक्विड का फ्लो टर्बुलेंट कब होगा, जब डिसऑर्डरली अरेंजमेंट होगा, ठीक है ना। मतलब जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ग्रेटर हो जाएगी तब टर्बुलेंट होगा, और जब क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रहेगी तब स्ट्रीमलाइन या फिर लैमिनर फ्लो होगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम कैसे पहचानते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो है या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो है या फिर लैमिनर फ्लो है? तो दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। रेनॉल्ड्स नंबर से आप क्रिटिकल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और रेनॉल्ड्स नंबर से आप ये देख सकते हैं कि जो फ्लो है वो क्या है, टर्बुलेंट है, स्ट्रीमलाइन है, फिर लैमिनर है। तो फॉर्मूला दोस्तों ये होता है, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करें, वी सी इक्वल टू, ये जो एन आर होता है ये रेनॉल्ड्स नंबर होता है, इंटू ईटा अपॉन रो इंटू डी, ये डायमीटर ऑफ अ ट्यूब होता है, ये डेंसिटी होती है, ये आपका कोफिशियंट ऑफ वाइस्कोसिटी होती है, और ये आपका रेनॉल्ड्स नंबर होता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्लो क्या है, टर्बुलेंट है या फिर स्ट्रीमलाइन है। दोस्तों तो आप समझ ही गए होंगे क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होता है। क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन, द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड, वो वेलोसिटी होती है जिसके नीचे फ्लो टर्बुलेंट रहता, जिसके नीचे फ्लो स्ट्रीमलाइन रहता है, लेकिन जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी से फ्लो ज्यादा जाता है तो वो टर्बुलेंट हो जाता है, ठीक है। तो एक डिफरेंस देख लेते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में, ठीक है। इन्हीं दोनों की आज हम बात करेंगे, यही दो मेन फ्लोज होते हैं लिक्विड्स की बात करें या फिर एयर की बात करें, ठीक है। तो यहां पे स्ट्रीमलाइन फ्लो की क्या बात करें, क्रिटिकल वेलोसिटी से हमेशा जो जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है, अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करें, टर्बुलेंट की ज्यादा होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी से जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यहां पे वाइस्कोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तभी तो वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है ना भाई। वाइस्कोसिटी क्या होती है, जो रिलेटिव मोशन होता है लेयर्स के बीच में। तो अब ये मान लीजिए इधर जा रहा है लेयर, ये इधर जा रही है, तो एक दूसरे को अपोज करेंगी तो वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में वेलोसिटी कम होती है, तभी तो वो स्ट्रीमलाइन होता है, तभी तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रहता है ना। लेकिन यहां पे डेंसिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वाइस्कोसिटी नहीं, टर्बुलेंट में डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। यहां पे दोस्तों फ्लो जो होता है वो रेगुलर और ऑर्डरली होता है, यहाँ पे फ्लो जो है वो इररेगुलर होता है, ठीक है ना, और डिसऑर्डरली होता है, तभी तो वो टर्बुलेंट है ना। अपने नल को जोर से खोल दीजिए तो टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। और ये आप रेनॉल्ड्स नंबर से पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों रेनॉल्ड्स नंबर की कंडीशन क्या होती है, अगर 0 से लेकर 2000 तक रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आई, ये डायमेंशनलेस होता है दोस्तों, इसकी इसकी ये कोई डायमेंशन नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर 0 से लेकर 2000 तक वैल्यू आए तो आपका जो फ्लो होता है वो स्टेडी रहता है, ठीक है ना, वो एकदम शांत रहता है। अब अगर सेकेंड कंडीशन होती है 2000 से 3000 तक आए तो आपका फ्लो अनस्टेबल रहता है, और अगर 3000 से ज्यादा आए तो वो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है, ठीक है ना। 3000 से ज्यादा पे तो जो वैल्यू, अगर 3000 से ज्यादा आए तो फ्लो हो जाता है टर्बुलेंट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फ्लो टर्बुलेंट है या फिर कौन सा फ्लो स्ट्रीमलाइन है। तो ये चीज थी। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर करिए। अब अगले लेक्चर में हम आखिरी पार्ट की बात करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम की बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।